हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं देसी स्टाइल में कद्दू के फूल का पकौड़ा, जिसको कहीं पे कोहड़ा का फूल भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं टेस्टी टेस्टी कद्दू के फूल का देसी स्टाइल में पकौड़ा। तो फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। फ्रेंड्स, ये देखिए कद्दू के फूल को मैं इस तरह से अच्छे से साफ कर ले रही हूँ। जो कद्दू के फूल के जो कड़क वाला पार्ट होता है, उसको इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए, एक एक करके इस तरह से सारे कद्दू के फूल को हम लोग साफ कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे कद्दू के फूल को मैं साफ कर ली हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से साफ हो गए हैं। अब सारे कद्दू के फूल को हम लोग अच्छे से पानी में वॉश कर लेंगे। मसालों में हम लोग मिक्सर ग्राइंडर के जार में 2 चम्मच जीरा डालेंगे, सूखी मिर्च 8 से 10 के लगभग, 25 से 30 लहसुन की कली। अब इसको हम लोग पीस लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मसाले हमारे पीस चुके हैं। एक भगोना में 3 कप बेसन ले ली हूँ मैं। अब उसमें पीसे हुए मसाले डाल देंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और 1 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। 1 कटोरी के लगभग पानी डाल देंगे और अच्छे से हाथों से फेंट लेंगे। फ्रेंड्स, बहुत इजी है बनाना, इस तरह से ज़रूर बना के खाइएगा, बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे बेसन अच्छे से फेंट चुके हैं। अब चूल्हे पे कढ़ाई रख देंगे। जब अच्छे से कढ़ाई गर्म हो जाए, तब उसमें हम लोग तेल डालेंगे। तेल आप चाहें जो भी यूज कर सकते हैं, मैं इसमें सरसों का तेल यूज कर रही हूँ। अब कद्दू का फूल इस तरह से एक एक करके ले करके बेसन में अच्छे से इस तरह से देखिए मिक्स कर लेंगे, लगा लेंगे। और तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो एक एक करके इस तरह से डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग 3 से 4 बार में डाल देंगे फूल को और धीरे धीरे इस तरह से पलटेंगे। जब एक तरफ से अच्छे से पक जाए, तब हमको पता चल जाता है, क्योंकि कढ़ाई के नीचे पकड़ेगा नहीं, चिपकेगा नहीं, अच्छे से छोड़ देगा। और इसको हम लोग पलट लेंगे। पलटने के बाद 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हमारे पकौड़े अच्छे से क्रंची और कुरकुरे पक चुके हैं, बन चुके हैं। अब इसको हम लोग एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसको हम लोग गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।